हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल वोक एंड क्रिएशन। सो गाइज, टुडे आई विल टॉक अबाउट हाउ टू क्रिएट अ टोडो लिफ्ट प्रोजेक्ट यूजिंग HTML, CSS एंड JavaScript। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, इस वीडियो में हम लोग एक टोडो लिफ्ट प्रोजेक्ट करने वाले हैं JavaScript, HTML और CSS का यूज करके, और इसमें बूटस्ट्रैप का भी यूज करेंगे हम लोग। तो प्रोजेक्ट जो है हमारा, पहले हम उसका रिव्यू कर लेते हैं कि हमको किस प्रकार का प्रोजेक्ट बिल्ड करना है। तो दिस इज अवर प्रोजेक्ट, जिसमें हम कुछ ऐड करेंगे। अगर कोई लिफ्ट, लाइक मैं अपना नाम देता हूँ अभिषेक, एंड देन ऐड अ टोडो बटन में मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे अभिषेक स्टोर हो गया। और इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इस बटन में यहाँ पे वो क्लिक किया तो वो हट गया। एंड यहाँ पे अगर हम और भी चीज़ें दे दें, तो इसके बाद मैंने ऐड अ टोडो किया, फिर यहाँ पे और कुछ नाम दे दें, इसके बाद यहाँ पे ऐड अ टोडो किया, इसके बाद ये जो रिमूव ऑल टोडो बटन है इसमें अगर हम क्लिक करेंगे तो जितनी भी लिफ्ट हमने क्रिएट की है सारी लिफ्ट रिमूव हो जाएगी। तो क्लिक करते हैं, क्लिक किया, सारी लिफ्ट रिमूव हो गई। तो ये प्रोजेक्ट हमको बिल्ड करना है। तो चलते हैं अपनी IDE की तरफ। तो मैं ब्रैकेट IDE यूज कर रहा हूँ, आप लोगों को जो प्रीफर अच्छी लगे जो IDE उसको यूज कर सकते हैं। तो मैं एक न्यू फाइल ओपन करता हूँ और उसका नाम देता हूँ, कंट्रोल F से सेव करता हूँ उसको, और उसका नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे todo.html। एंड जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कोड होता है हमारा HTML का, उसको मैंने यहाँ पे राइट किया। अब जो हमारा टाइटल है इसमें मैं यहाँ पे दे देता हूँ टोडो लिफ्ट, ओके। एंड आफ्टर दैट मैं एक और न्यू फाइल ओपन करूँगा, तो मैंने एक और न्यू फाइल ओपन की, उसको सेव करता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ todo.css। एंड देन इसको हम अपने HTML पेज के साथ में लिंक करने वाले हैं, तो इसको मैंने लिंक करवा देता हूँ यहाँ पे, लिंक REL स्टाइल फिट, टाइप क्या है हमारा टेक्स्ट CSS, HREF, और HREF में हम अपने CSS फाइल का नाम दे देते हैं यहाँ पे, तो todo.css, और ये हमारी फाइल यहाँ पे स्टोर हो गई। CSS फाइल को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। एंड आफ्टर दैट हम ओपन करते हैं क्रोम ब्राउजर में, आप लोग सर्च करिएगा बूटस्ट्रैप, तो ये ओपन होगा। इसके बाद यहाँ पे आप इस CSS फाइल को यहाँ से CSS CDN को यहाँ से कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे टाइटल के नीचे हेड टैग के अंदर पेस्ट कर दिया मैंने। ये हमारी CDN यहाँ पे लिंक हो चुकी है। अब जब CDN हमारी लिंक हो गई, इसके बाद हम Google Fonts ओपन करते हैं, तो आप लोग सर्च करिएगा Google Fonts, और यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट्स आ जाएंगे, तो आपको जो फॉन्ट्स चूज करना है वो फॉन्ट आप लोग चूज कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे फोर्स फैन प्रो ये फॉन्ट चूज करता हूँ। एंड आफ्टर दैट ये ओपन हो रहा है, और इसके बाद यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग आएंगी इसी फॉन्ट की, तो ये कुछ स्टाइलिंग इसी फॉन्ट की यहाँ पे आ रही है, तो मैं ये वाली चूज कर लेता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पे प्लस आइकन में क्लिक किया और एम्बेड में क्लिक किया, तो ये यहाँ पे लिंक और इम्पोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिंक करवाने के लिए इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी किया मैंने इसको, और यहाँ पे हेड टैग के अंदर इसको भी हमने पेस्ट कर दिया, ओके। तो हमारा जो रिसोर्स का सेक्शन है वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं बॉडी टैग के अंदर, यहाँ पे कुछ प्री बिल्ट क्लासेज यूज करेंगे हम लोग CSS की, उसकी बूटस्ट्रैप की, जो बूटस्ट्रैप की क्लासेज हैं उनका हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो हम डिवीजन टैग लेते हैं, डिवीजन में क्लास देते हैं जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है कंटेनर फ्लूइड टेस्ट सेंटर। एंड देन यहाँ पे एक H1 देते हैं, और H1 में देते हैं माई फर्स्ट तो गाइज यहाँ पे हम H1 के अंदर माई फर्स्ट वर्किंग टोडो ले लेते हैं। और इसके बाद मैं इसका ज़रा लाइव प्रीव्यू करवाता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या किया
तो हमने अभी केवल H1 हेडिंग यहाँ पे दी है, और मैं फाइट बाय फाइट ओपन कर लेता हूँ कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो H1 के बाद हम यहाँ पे एक इनपुट लेने वाले हैं, इनपुट टाइप में टेफ्ट, एंड आईडी हम देने वाले हैं, तो आईडी इसमें दे देते हैं यूजर इनपुट। ओके, यूजर इनपुट आईडी हमने दे दी। एक क्लास दे देंगे यहाँ पे, तो क्लास यहाँ पे दे देते हैं फॉर्म और फॉर्म कंट्रोल। ओके, फॉर्म कंट्रोल क्लास दे दी। प्ले फोल्डर दे देते हैं, प्ले फोल्डर की हमारी जो लिस्ट होगी उसमें क्या दिखेगा, जो इनपुट टैग आएगा इनपुट देने के लिए उसमें क्या दिखने वाला है हमारा पहले से, तो इसमें हम दे देते हैं व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या नीड है। और इसके बाद मैं यहाँ पे ऑन की डाउन इवेंट का यूज करने वाला हूँ, और इसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं रिटर्न सर्च और की प्रेस। ओके, और इसके अंदर हम दे देते हैं इवेंट। ओके, इवेंट दिया यहाँ पे एंड कंप्लीट। मैं इसको बड़ा ही कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा कोड दिखे। मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव किया तो ये यहाँ पे आ गया। तो हमने जो प्ले फोल्डर दिया था व्हाट यू नीड टू डू, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि आपको कोड प्रॉपरली दिखे। अब इसके बाद हम यहाँ पे कुछ बटन्स क्रिएट करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे दो बटनें क्रिएट करूँगा। तो बटन की क्लास में दे देता हूँ यहाँ पे, ये बूटस्ट्रैप की क्लासेज हैं, तो BTN, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फक्फेज। आप अगर बूटस्ट्रैप में जाएंगे यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो बूटस्ट्रैप में जाने के बाद यहाँ पे कंपोनेंट का ऑप्शन आएगा। आप कंपोनेंट के ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो ये बटन वाले ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे, तो बटन वाले ऑप्शन में मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे ये बटन आ रही हैं बहुत सारी, ये बटन आ रही हैं, और इन बटन में ये क्लासेज दी गई हैं। आपको जो भी क्लास यूज करनी हो उसको आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फक्फेज और डेंजर ले रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे फक्फेज ले लिया। ओके, अब बटन का क्या नेम देता हूँ मैं, तो बटन का नेम देता हूँ ऐड आ टोडो। ओके, अब सेकंड बटन हम लेंगे, मैं सेकंड बटन यहाँ पे लेता हूँ, बटन क्लास, और इसकी क्लास दे देता हूँ बटन BTN, और इसकी क्लास मैं क्या दे दूँ डेंजर। ओके, डेंजर दे के देखते हैं, डेंजर राइट। अब डेंजर दी, अब इसमें मैं क्या देता हूँ, क्या दे दूँ मैं यहाँ पे, क्या दिया था हमने पहले, रिमूव ऑल टोडो। ओके, तो रिमूव ऑल टोडो दिया, इसके बाद मैंने सेव किया। अब देखते हैं कि हमने क्या क्या किया, इतना हमने अभी तक बनाया है यूजिंग HTML। अब इसके बाद बटन हमारी टू क्रिएट हो चुकी हैं यहाँ पे, एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे एक UL क्रिएट करने वाले हैं, अनऑर्डर्ड लिफ्ट UL, और इसकी आईडी दे देते हैं यहाँ पे हम लिफ्ट। बस हमारा काम जो था वो हो चुका है HTML का, जितना हमको करना था HTML में हमने उतना कर लिया। अब बाकी हम लोग CSS डिजाइनिंग करेंगे, तो आप लोग इसके कोड की कोई भी प्रॉब्लम मत लीजिएगा। सारा कोड आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा GitHub का, तो वहाँ से आप लोगों को पूरा कोड मिल जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी CSS की स्टाइलिंग करेंगे, और इसके बाद फिर हम लोग JavaScript का यूज करके अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग दिस सेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सी यू टू नेक्स्ट टाइम।